रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम ला रहे हैं विशेष सीरीज नोएडा 2021। यह सीरीज उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने नोएडा को बनाने में और नोएडा को उत्कृष्ट शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनमें एक ऐसे अधिकारी भी हमारे साथ में हैं जो नोएडा की जनता की जुबान पर रहे हैं। वो रहे हैं सौम्य श्रीवास्तव जी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सौम्य श्रीवास्तव जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी, मैं आपके सभी दर्शकों को भी अपना अभिवादन करता हूं, सादर अभिवादन है मेरा। जी सर, मैं सर ये जानना चाहता हूं कि नोएडा में आपने जो समय बिताया और नोएडा में जो आपने काम किए, मैं आपको उन यादों के साथ जोड़ना चाहता हूं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य रहे जिनके लिए आप नोएडा को भी याद करेंगे और नोएडा आपको याद रखेगा। जी विनोद जी, मैं सबसे पहले आपका और यह नोएडा लोकमंच का जो है हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझको इस लायक समझा कि नोएडा के विकास में कहीं छोटा सा एक तुच्छ योगदान हमारा भी रहा है, उसको आपने याद किया, इसके लिए आप सभी को साधुवाद है। जहाँ तक नोएडा में जो समय बीता विनोद जी, जब 1976 में नोएडा की परिकल्पना हुई थी जी, तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज जो है 20,000 हेक्टेयर में बसने वाला ये शहर 81 गांवों को जब लिया गया था गाजियाबाद के, कि परिकल्पित होकर के एशिया की सबसे बड़ी टाउनशिप में से एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है नोएडा होगा। जी। और 2015 से लेकर के 2016 के मध्य तक का समय मेरा नोएडा में गुजरा जी। और उस दौरान अपने आप में बहुत सारे अविस्मरणीय कार्य हुए जी। प्रमुख तौर पर जो नोएडा मेट्रो की परिकल्पना, नोएडा मेट्रो के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर मैंने ज्वाइन किया था जी। और एज ईडी जो है हम लोग उस समय जो है उसकी फंडिंग को लेकर के, उसके जो है जो बेसिक पार्ट थे उनको लेकर के, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेट्रो को लेकर के जो है पहली बार जो है नोएडा में जो है प्रयास शुरू हुए थे। और तब मेट्रो एक नई चीज थी नोएडा के लिए, तो बिल्कुल ही एक नई सपने जैसी चीज थी। नोएडा के सभी जो नागरिक थे वो उत्साहित थे कि मेट्रो जो है इस शहर में भी आ रही है। जी। इसी प्रकार क्रिकेट स्टेडियम जी को जो है एक वृहद रूप देने का जो कार्य हुआ, जो शूटिंग रेंज का निर्माण हो, कि क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो, अन्य उसकी जो फैसिलिटीज का निर्माण हो, जी, वो भी उसी दौरान ही जो है हम लोगों के समय में ही, उस समय के जो है जो अग्रज अधिकारी थे माननीय रमन जी, अन्य सीनियर ऑफिसर, उन सबके जो है नेतृत्व में जो है ये वो किया गया। सेक्टर 18 से लेकर के और जो फ्लिक्स के सामने जो है जो आपका फ्लाईओवर निकलता है, उस फ्लाईओवर सेक्टर 18 का जो आपकी पार्किंग है जी, उसका जो है मल्टी लेवल कार पार्किंग जी, उसका जो है सारा का सारा जो कार्य हुआ उसी दौरान ही वो कंप्लीट हुई। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य थे, तमाम रोटरीज का निर्माण, तमाम 45 मीटर 30 मीटर 18 मीटर सड़कों का निर्माण, जो कि नोएडा के लिए नॉर्मल चीज थी जी। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट थे उनके उनके विषय में मैंने आपसे बात करी। जी। तो नोएडा के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपने उस समय जो पब्लिक कनेक्टिविटी को कनेक्ट किया, जो आज भी लोग याद करते हैं आपके दौर में, कि जनता से जुड़ना अधिकारी के लिए बहुत मायने रखता है और जनता उसको बहुत याद रखती है। तो आपने उस समय जो रेस्पॉन्स टाइम कम किया, सिटीजन चार्टर पे काम किया, उसको लेकर भी आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए सर। विनोद जी, आप तो नोएडा के बाशिंदे हैं और पुराने समय से हमारे सबसे अग्रणी पत्रकारों में से हैं। जी। आपको याद होगा कि जिस समय मैंने 2015 में ज्वाइन किया था तो नोएडा एक विपत्ति से गुजर रहा था जो है जी। और उस समय लोगों में उस विश्वास को, जो नोएडा के प्रति विश्वास हमेशा रहा है इस जनता का और पूरे प्रदेश का, उसको जगाने की वापस आवश्यकता थी। मुझको जो है जो भी जितनी पब्लिक से रिलेटेड सारे कार्य थे वो मुझको सौंपे गए थे जी। और पब्लिक से सारा का सारा इंटरेक्शन, सारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से, तमाम जो अन्य प्रकार के संगठन है, चाहे वो आर्मी के जो है वेटरन्स की एसोसिएशन हो, तमाम बुजुर्गों की अन्य एसोसिएशन, तो सब जो है मुझसे वन टू वन बेसिस पर पुनर्वा
ये सब जो है लोगों के साथ जो है आत्मीय संबंध हो गए थे, और वनस्पत कारण केवल संबंध का ये था कि जो मैंने देखा कि जो है नॉर्मल जो बेसिक कंप्लेंट है वो ये थी कि साहब हम लोग जो है नीचे के लेवल पर कहते रहते हैं और जो है लेकिन हमको रिस्पांस नहीं मिलता। जी जी तो मैंने जितने नोएडा के सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उन सभी के साथ सबको रिक्वेस्ट करके अपना नंबर उनके साथ डायरेक्टली जोड़ दिया, और सभी सिटीजन जितने प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए थे उन विभिन्न फोरम्स पर, सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि साहब अगर आपको कहीं पे किसी सेक्टर में कोई कमी दिखाई दे, सफाई व्यवस्था को लेकर के कंसर्न, किसी भी प्रकार की पब्लिक ग्रीवांस हो जिसको आप समझते हैं कि नोएडा अथॉरिटी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, तो प्लीज मुझको जो है आप अवगत कराएं, और एनी टाइम ऑफ द डे, ये जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम कि ये रात का 11 बजा है या सवेरे का 5 बजा है, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। और अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चेंज था जो है, जो जैसा लोग कहते हैं कि जो है जब लोगों को कंसर्न जो है रिस्पॉन्सेज मिलने लगे, मैंने अपने लेवल पर एज डिप्टी सीईओ जो है एक टास्क फोर्स गठित की जिसमें मैंने हर विंग के सभी प्रकार के सिविल के इंजीनियरिंग के हेल्थ के सभी लोगों को रखा, और सबसे जो है बैठक करके बस इस बात की अपेक्षा की कि जब इस प्रकार की सिटीजन सेंट्रिक ग्रीवांस आए जो है तो उसका रिस्पॉन्स फिर टीम तत्काल करेगी, चाहे वो फिर तेज बारिश हो रही हो और जल भराव की समस्या हो, तो लोगों ने जो है रात में जो है निकल करके और जो है पूरी टीम ने रिस्पॉन्ड किया। निश्चित तौर पे नोएडा के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका मेरा जो है हृदय से साधुवाद है कि उन्होंने इस स्पिरिट के साथ काम किया कि हाँ हमें जनसेवा करनी है और निकल करके कार्य को करना है। दूसरा जो एक बात रही मुझे लगता है वो ये रही कि सबसे बड़ी बात थी कि कंसर्न अगर क्रिटिसिज्म है और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है तो उस बात को मैंने कभी भी अपनी ईगो पे या नोएडा की ईगो नहीं बनाया उस चीज को कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप से वॉकआउट कर जाऊं या उसको छोड़ दूं, जो कि जो है अमूमन ये हो जाता है कि आपका जो है अहम आपसे बड़ा हो जाता है। तो जनता जो है शासन ने मुझे यहाँ सेवा के लिए तैनात किया था और मेरा कार्य यह था कि कंसर्न अगर कोई बात गलत है और यह कोई मेरे संज्ञान में ला रहा है और उसको रोष है उस बात का, उसको कहने का तरीका अगर आक्रोश से भरा हुआ है तो मुझे तो शांति से सुन करके उसके समाधान की ओर, ऐसे सभी लोगों को मैंने पर्सनल वन टू वन बुला करके हेयरिंग करी, उनकी बात को समझा और ये प्रयास किया कि उस समस्या का जो बेहतर से बेहतर हमारे और उनके सिटीजन्स के योगदान से समाधान निकल सके उसका समाधान निकाला जाए। सिटीजन चार्टर पहली बार ऑनलाइन किया गया था और सिटीजन चार्टर को ऑनलाइन करने में जो है अपने सीनियर ऑफिसर्स की गाइडेंस लेने के बाद मैंने ये इंश्योर किया कि वो केवल दिखावट ना रह जाए, उस चीज के ऊपर वर्क अपॉन किया जाए और उसको फॉलो किया जाए। अगर कमियां हैं तो जो है कंसर्न अधिकारियों के ऊपर भी जो है कहीं पे इंक्रीमेंट रोकने, कहीं पर जो है उनको डांटना, कहीं का उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्यवाही करना, जिससे कि लोगों को ये विश्वास हो कि नहीं अगर हमने शिकायत की तो संबंधित जो रिस्पॉन्सिबल है डाउन द लाइन राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है और उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है, इसी से जनता का जो है विश्वास जो है शासन में बनता है। जी 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 जी। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ सर, आपने इतने जो भी समय यहाँ नोएडा में रहे एज ए डीसीओ नोएडा अथॉरिटी में, आपको कोई ऐसा रोचक प्रसंग याद आ रहा है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे जीवन में? जी विनोद जी, जिस समय मैं वहाँ तैनात था जी, तो एक अवसर ऐसा आया कि जो है नोएडा में जो है लगातार 5-6 दिन बहुत मूसलाधार बारिश हुई जी, और उस बारिश के कारण हमारे जितने नाले थे वो नालों की सफाई होने के बावजूद भी कंसर्न जो है जगह जगह पर जल भराव बहुत ज्यादा हो गया, और जो है प्रथम दिन की बारिश के बाद अगले दिन सारे प्रिंट के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप सब इस बात से भर गए कि नोएडा अथॉरिटी ने इसके ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, और मुझको लगा कि जो है आज जो है इस नेतृत्व की आवश्यकता है कि हम सारे के सारी पूरी टीम बाहर निकल पड़े। मैंने सभी सेक्टर्स के लिए प्रॉपर टीम को बना करके और उस मूसलाधार बारिश में 3 दिनों तक सवेरे से लेकर के और रात 2-2 बजे तक हम लोगों ने कार्य किया, जल भराव को जो है दूर किया,
लोगों की जहाँ जहाँ समस्याएं थी, पेड़ गिरे थे, अन्य वो थी, तो उसको जो है समस्या को समाप्त किया और जो है उस बात का निश्चित तौर पर सिटीजन ने भी रियलाइज किया, हमारे नागरिकों ने भी रियलाइज किया। सभी को ये लगा कि नहीं, पहली बार जो है सीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी उतरे हैं और खड़े पानी में भीग करके मूसलाधार बारिश में और ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो है जो सामान्य जनजीवन है वो चलता रहे। तो निश्चित तौर पर जो है वो अपने आप में जो है यादगार पल है। जी मैं जानना चाहूंगा नोएडा वासियों को आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे, और 45 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं नोएडा को इस बार। जी मेरा तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि देखें वर्तमान में शासन ने जो है स्वच्छ नोएडा, साफ नोएडा की इतनी बड़ी ग्रीन नोएडा, क्लीन नोएडा की जो है मुहिम चला रखी है। हमारी सीओ मैम जो है ऋतु महेश्वरी जी ने एक अद्वितीय प्रयास किया है, पूरे शहर को बदल दी है रंगत। निश्चित तौर पर इट हैज बीन अ बिग फॉरवर्ड स्टेप, जिस तरह से क्लिनलीनेस बढ़ी है, सफाई बढ़ी है, जिस तरह से शहर की कायाकल्प हुआ है, मेरा सभी से ये अनुरोध है कि इस बार स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में हम लोगों को प्रथम आना है। तो सब लोग अपने अपने लेवल पे कूड़ा सेग्रीगेट कीजिए प्लीज, गीला और सूखा कूड़ा अलग करिए और हम लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मुहिम में जुड़े कि हम नोएडा को सबसे स्वच्छ शहर पूरे देश का बना करके जो है मानेंगे, हम लोग ये प्रण लें। यही मेरा नोएडा वासियों को संदेश है और यही आप लोगों से जो है मेरा निवेदन है कि इस अभियान में जो है नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ नागरिक के तौर पर मैं भी जुड़ा हूँ और आप सब प्लीज जुड़े। बिल्कुल सर, एक सवाल और है जो नोएडा लोकमंच से जुड़ा है, आपने नोएडा लोकमंच का काम भी देखा है, तो किस तरीके से आकलन करते हैं सामाजिक संगठन के रूप में नोएडा लोकमंच का? नोएडा लोकमंच एक ऐसा अद्वितीय प्लेटफॉर्म है जो जिसकी परिकल्पना मेरे विचार में बहुत कम शहरों में होगी जी। अपार्ट फ्रॉम की इसमें जो है शहर के सबसे गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं, जो सबसे मूर्धन्य विभिन्न फील्ड के लोग हैं जी। वो जुड़े हुए हैं, लेकिन नोएडा लोकमंच जो कार्य कर रहा है, जो गरीबों के प्रति, जो गरीब बच्चों के प्रति, जो गरीब महिलाओं के प्रति, अपने आप में जो है चाहे रैन बसेरों पे, चाहे कंसर्न आपके जो है क्रेमेटोरियम्स पे, जिस प्रकार का कार्य जो है साहित्यिक तौर पर लोकमंच ने के साहित्यिक कार्यक्रमों को में नोएडा को एक अलग पहचान देने का काम जो नोएडा लोकमंच ने किया है, वो नोएडा की एक विशिष्ट पहचान बनी है और निश्चित तौर पर इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझको भी इसमें अपना थोड़ा सा योगदान देने का मौका मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। जी, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम को समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी, आप सभी नोएडा वासियों को मेरा सादर अभिवादन। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे नोएडा प्राधिकरण में 2016 में डिप्टी सीईओ के रूप में काम करने वाले सौम्य श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने नोएडा में एक अलग तरह की पहचान बनाई, जनता से कनेक्ट होने का उन्होंने बेहतर तरीका ढूंढा, व्हाट्सएप ग्रुप से अपने को कनेक्ट किया, समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। इस तरह के अधिकारी हमारे बीच में बहुत सारे रहे हैं, हम उनसे आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।